अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेजिटेबल पुलाव। बहुत यम्मी बनता है, बहुत मज़े का है और बहुत झटपट बन जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, जिन्हें अच्छे से धोकर मैंने पानी में डिप कर दिया है। जिसके लिए मैंने 3 से 4 आलू अच्छे से धोकर कट कर लिए हैं, चुकोर चुकोर कट कर लिया है छोटे साइज़ का। 3 गाजर ले ली हैं, कट कर लिए हैं। 1/2 कप के करीब गोभी है, जिसे बारीक कट कर लिया है। 2 टमाटर कट कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च है। 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ही चाइनीज सॉल्ट लिया है। नहीं है कोई बात नहीं, मत डालिए। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। 1 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया ले लिया है, हल्का सा क्रश कर लिया है। इसके बगैर तो कोई भी पुलाव जो है वो अनकम्प्लीट है। ये ले लिया है। 1 प्याज कट कर लिया है दरमियाने साइज़ का। अब पुलाव के लिए आपके पास सूप है, वेल एंड गुड। नहीं है तो मैं चिकन क्यूब्स का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास सूप नहीं था तो मैं इससे सूप तैयार कर लूँगी। गर्म पानी में इसे डालेंगे, हल कर लेंगे और सूप तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेडी करते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे प्याज, अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, खुश्क धनिया, अब जो मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने डाला है, आप फ्रेश ही डालिएगा। थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, फ्रेश लहसुन अदरक जो है पुलाव में, बिरयानी में हमेशा फ्रेश ही यूज कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर को होने देते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट, टमाटर सॉफ्ट होते हैं साथ ही मसाले ऐड कर देते हैं। नमक मिर्च डाल देंगे, दालचीनी का पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, इन सबको इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे गाजर, क्योंकि इन दोनों को थोड़ा टाइम लगता है। अब इसे करते हैं ऊपर से कवर ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। जी, आलू और गाजर तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी और इसे भी कर लेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। इसे मिक्स कर लिया है। सब्जी अच्छे से हो चुकी है, अब इसमें ऐड करते हैं सूप। ये 4 गिलास हैं, 4 गिलास मैंने इसमें सूप डाल दिया है, जो हमने क्यूब से बनाया था वो सूप मैंने डाल दिया है इसमें। और साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने पानी में डिप करके रखे थे और इसे भी करते हैं मिक्स। बस इसे ऊपर से कवर करूंगी जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। सूप हो चुका है सब अच्छे से खुश्क। अब इसे हम रखते हैं दम पे 10 मिनट के लिए। जी, सूप सारा खुश्क हो चुका है और मैं इसे दे रही हूँ 10 मिनट के लिए तवे का दम। जी, तो पुलाव रेडी है, इसे करते हैं सर्व। जी फ्रेंड, तो हमारा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी है, बहुत जल्दी जल्दी बन गया है। ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कैसा बना। तो इसके साथ ही सानिया को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।